अच्छा, हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने एक अध्याय में पढ़ा संस्थाओं के कामकाज, अब उनकी कल थोड़े प्रश्न देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार कुछ प्रश्न हैं, तो जो ये पाठ के अंतर्गत आपकी जो बुक है उसकी एनसीईआरटी की उसकी बुक के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर है। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला लेंगे? तो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक व पुनः विचार के लिए कह सकते हैं, या मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेता का चयन कर सकते हैं। आपको तो आप दोनों सदनों द्वारा, इसका सही आंसर है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो आपको बता दूं, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सब सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक। तो जो राजनीतिक, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? वह गृह मंत्री, जो गृह मंत्री होते हैं वह क्या होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिकी मतलब जो कार्यपालिका होती है उसका हिस्सा कौन होता है? गृह मंत्री होता है। सब गृह मंत्री जितने भी देश में जो गृह के रूप में नियंत्रण निर्णय लेना होता है वह कौन लेता है? गृह मंत्री। अभी वर्तमान में अपने भारत के गृह मंत्री कौन है? कौन है? अमित शाह जी। फिर है न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। दूसरा है, अगर कोई कानून संविधान की भावनाओं से खिलाफ न्यायपालिका में अमान्य घोषित करता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक को अधिकार का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। तो आपको बता दूं न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में सबसे उनका कौन सा बयान क्या है गलत है? वह है सदन द्वारा पारित प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की क्या होती है? जरूरत होती है। तो इसका जो ये है कि क्या है, गलत बयान है इसका न्यायपालिका। फिर है उस मंत्रालय की पहचान है जिसमें निम्नलिखित में से समाचार पत्र क्या होते हैं, जारी होते हैं। तो देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। वह तब जो देश है अपने देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी या नई नीति क्या करी जा रही है, बनाई जा रही है, वह कौन सी है? वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो जिससे अपने जूट के उद्योग में क्या होगा, विकास होगा। तो उसका जो सही आंसर है ये का। फिर है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टेलीफोन की सेवाओं को सुलभ कराया जाएगा। तो उसका है क्या, आपको उसके विकास के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए है संचार और सूचना प्रायोगिक मंत्रालय। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूरसंचार टेलीफोन की जो सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी इसके माध्यम से कराई जाएंगी, संचार और सूचना के माध्यम से। तो इसका सही जोड़ी में इसका आंसर है हाँ। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत चावल गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। तो जो सार्वजनिक तौर पर मतलब अनाज का जो वितरण हो रहा है उसके लिए आपको कौन से मंत्रालय से आपको संपर्क करना पड़ेगा? उसके लिए कृषि, खाद्यान्न और सामाजिक सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। फिर है पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। पल्स पोलियो जो अभियान है वह शुरू किया जाएगा कहाँ, किस किस मंत्रालय से इसका संबंध है? जो मतलब जो पल्स पोलियो हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब किस संस्था से संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो पल्स पोलियो अभियान है वह किसके माध्यम से होता है?
स्वास्थ्य मंत्रालय की पहाड़ियों पर तैनात, जो ऊंची पहाड़ियां होती हैं उन पर तैनात सैनिकों को भत्ते बढ़ाए जाएंगे। वह जो भत्ते जो ऊंची पहाड़ियों में सैनिक होते हैं वो जो मतलब उनके भत्ते बढ़ाने का काम कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। तो उनका जो वेतन है और उनका जो भी भत्ते है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। उस मंत्रालय का आपको सही जोड़ी है, उस मंत्रालय को पहचान कर उसके तब निम्नलिखित समाचार जारी होगा। उसको मंत्रालय को पहचानो कि देश में जो उद्योग है वह किसके माध्यम से होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से होगा। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन लगेंगे तो वो किसके? दूर संचार तथा संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा। और जो कृषि मतलब सार्वजनिक गेहूं चावल मतलब अन्य का जो वितरण होगा वह क्या के मंत्रालय से होगा? कृषि खाद्य से होगा। और जो पल्स पोलियो है वह स्वास्थ्य विभाग से। और ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जो सैनिक होते हैं उनका जो भत्ते का निर्धारण होगा वह कहाँ से होगा? रक्षा मंत्रालय से होगा। फिर है देश की विधायिका, तो देश की विधायिका है उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो पहला हो गया आपका, पहला है सड़क, जो सड़क होती है जिसमें सिंचाई बुनियादी ढांचों के विकास और जो नागरिकों को कल्याणकारी गतिविधियों पर पैसा कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो जो सड़क बनाना है, जो सिंचाई को आ गए उनकी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए और नागरिकों मतलब जो नागरिक होते हैं जनता होती है उनकी कल्याणकारी विधियों को कितना पैसा खर्च किया जाएगा वह कौन तय करेगा? वह राजनीतिक कार्यपालिका क्या करेगी? तय करेगी। जो इसका आंसर होगा जो राजनीतिक कार्यपालिका होगी वह क्या करेगी? इसको तय करेगी। नियमित करने व संबंधी मतलब जो स्टॉक्स होते हैं उसके एक्सचेंज नियमित करने के लिए कानून बनाने की कमेटी को सुझाव पर विचार विमर्श करता है। तो सांसद जो होते हैं या सांसद जो होते हैं वह इसको क्या करते हैं? इस पर क्या करते हैं? सुझाव और विचार प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद है दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विधायक विवादों पर निर्णय लेती है वह होती है न्यायपालिका। कौन होता है? न्यायपालिका होती है। वो क्या करती है? दो राज्य सरकारों के बीच में कानूनी विवादों का निर्णय कौन करती है? न्यायपालिका। फिर भूकंप पीड़ित के राहत के बारे में सूचना मांगती है, मतलब जो भूकंप पीड़ित है उनकी राहत के बारे में जो सूचना मांगती है कौन क्या कौन होता है? स्थायी कार्यपालिका। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? तब भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? इसके चार जवाबों में से सही एक चुनाव मतलब एक जवाब को बताइए। तो इसको संसदीय लोकतंत्र में जो होता है बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। फिर दूसरा लोकसभा में मंत्री परिषद और कार्यकाल को पूरा करने पर उन्हें हटा दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव की बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर है पहला वाला का, संसदीय लोकतंत्र में जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें लोकसभा के चुनाव में मतलब जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में आती है उसका ही जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पार्टी या पार्टी के गठन से नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वह लोकसभा में क्या होता है? बहुमत
या पार्टी के गठन के लिए। भारत में विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में जहाँ वोटरों की संख्या कैसी है, करोड़ों में है, 135 करोड़ जनता है भारत की, तो प्रत्यक्ष चुनाव लड़ना और उसका खर्च का वहन करना क्या होता है, अत्यधिक कठिन होता है। सही आंसर का फिर है मंत्रिपरिषद के निकाय का सरकारी नाम है, मतलब जो मंत्रिपरिषद है वह उसके सारे मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, मतलब जो मंत्रिपरिषद का निकाय कहता का सरकारी नाम पर होते हैं, इसमें सारे मंत्री होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री। ये सत्ताधारी का क्या करते हैं, गठन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके गठन की पार्टी क्या होते हैं, ये वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभार होते हैं, उसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम से फैसला करने पर और बैठक करने का उन्हें कैबिनेट शीर्ष समूह होता है। फिर है स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्ति, मतलब छोटे छोटे मंत्रालयों के जो प्रभार प्राप्त होते हैं उसे आमंत्रित किए जाने कैबिनेट की बैठक भी में भाग ले सकते हैं। फिर राज्य मंत्री, ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। फिर राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता बताइए और उसका कार्यकाल क्या कितना होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता निम्न प्रकार से है। पहला है भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी योग्यता या लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की गई हो, वह केंद्र सरकार और राज्य शासन के, तब राज्य सरकार है उसके अधीन आर्थिक लाभ व पद पर कार्य ना करता हो, तब जो भारत का राष्ट्रपति हो वह केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार के अधीन जो आर्थिक लाभ पे काम करने का मतलब उसे कार्यकाल ना करता हो। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष से कम ना हो, और उसकी योग्यता लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या की गई है, निर्धारित की गई है। फिर है भारत में राष्ट्रपति की कार्यवाहक शक्तियां क्या होती हैं, मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। तो भारत के राष्ट्रपति में क्या करता है, सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति की जो शक्ति कार्यपालिका उसकी शक्तियां हैं वह क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उससे परामर्श कर अन्य मंत्रियों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। फिर है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों कर्मचारियों की क्या करता है, नियुक्ति कर उन्हें महालेख परीक्षण और शक्तियों से संबंधित नियमों का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर तीसरा है राज्यपाल के मतलब जो राज्य होते हैं उनके राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और विदेश के लिए राजदूत आदि भी नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश का मतलब जो अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के लिए क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं भारत की जल थल वायु, जो भारत में जल थल वायु तीनों प्रकार की सेनाओं का प्रधान सेनापति होते हैं और उनके नाम पर युद्ध और युद्धबंदी की घोषणा, मतलब युद्ध भी युद्ध के नाम पर युद्ध और युद्धबंदी की भी घोषणा होती है। राष्ट्रपति देखता है कि राज्य शासन का प्रबंध संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। तो ये क्या है, भारत के राष्ट्रपाल मतलब जो राष्ट्रपति है उनकी कार्यपालन शक्तियां क्या है। तो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारियों की क्या करता है, संबंधों को नियुक्त करता है और राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी क्या करता है, नियुक्ति करता है और जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका भी क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। विधायी शक्ति, तो भारत का राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, जब चाहे वो सदन में क्या कर सकते हैं, अधिवेशन बुला सकते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, मतलब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, वो जो अधिवेशन की समाप्ति मतलब जो अधिवेशन बुलाते हैं और वही अधिवेशन की समाप्ति की
क्या करते हैं, घोषणा भी करते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा के हैं, वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को भी क्या करते हैं, मनोनीत करने का उनको क्या होता है, अधिकार होता है। फिर संसद द्वारा, जो संसद होता है उससे, उसके द्वारा मतलब विधायक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से कानून बनता है। तो कोई विधेयक पास होना हो या राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से ही कानून क्या होता है, बनता है। फिर अध्यादेश जारी करके आवश्यकता पड़ने पर संसद का अधिवेशन भी वो क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। वो अध्यादेश जारी करके आवश्यकता पड़ने पर संसद पर अधिवेशन भी बुला सकते हैं। फिर है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, मतलब जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अगर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करना है तो वह खुद उसके लिए उनको इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से वह किसी भी लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। फिर है हमें संसद में क्यों होना चाहिए, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। मतलब किसी भी देश का कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, कानून बनाने की जो विधि है, निर्माण कार्य है, इसका महत्वपूर्ण होता है। सभाओं को क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और दुनिया भर में जो संसद होती है वहां पे कानून बना सकते हैं, मौजूदा कानून खत्म करने की जगह नए कानून भी बन सकते हैं। फिर है दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे सीधे आ पूर्ण नियंत्रण हासिल है और पूर्ण समर्थन की स्थिति में सरकार चलाने का फैसला भी कर सकती है। सरकार को हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देश में संसद की मंजूरी के बारे में ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। फिर सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा बहस के लिए संसद को सर्वोच्च संघ या संसद में मामले को सूचना मांग सकते हैं। फिर भारत की न्यायपालिका की सबसे प्रभावशील न्यायपालिका, इसमें मतलब जो भारत की न्यायपालिका है वह दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। तब जो भारत की न्यायपालिका वो दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली है और प्रभावशाली न्यायपालिका तो उसकी है भारत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देश के संविधान की क्या करते हैं, व्याख्या का अधिकार है। विधायिका का कानून, कार्यपालिका, कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और कानून कार्यपालिका की कार्यवाही की चुनौती मिलती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला दिया गया है कि सदन में इसे संविधान की मूलभूत सिद्धांतों से क्या कर सकते हैं, इसे बदल नहीं सकते। फिर है किस प्रणाली के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को पदोन्नत किया जा सकता है। संसद में प्रत्येक सदन में समस्त बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले संसदों में से कम दो तिहाई, मतलब दो तिहाई बहुमत होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के विरुद्ध में उसे दुराचारित होने पर, प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति उसे पद से अपदस्थ किया जा सकता है। अभी तक महाभियोग किसी भी न्यायाधीश को हटाया गया है। तो इस प्रतिक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद उच्चतर लोग संसद में प्रत्येक सदन के समस्त संख्याओं से बहुमत द्वारा उपस्थित मतदान करने पर सदस्यों में कम से कम दो तिहाई बहुमत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरोध में होता है तो उसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसे उस पद से अपदस्थ किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उसे क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं अगर उसे दो तिहाई बहुमत प्राप्त ना हो। धन्यवाद बच्चों, ये आपके पुस्तक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर थे। आप उनको याद करोगे और उनको पीडीएफ के माध्यम से कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।